शहबाज शरीफ सुर्खरू होकर बाहर आए, मुझे भी अदालत से इंसाफ की तवक्को है। मुल्क कौम की खिदमत करने वालों को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। नवाज शरीफ की हस्पताल में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। 3 घंटे से जायद गुजर गए, नवाज शरीफ को कमरा पसंद ना आया। 1400 बिस्तरों वाले हस्पताल के तमाम कमरे साबिक वजीर आजम को ना भाए। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुख्तस करदा 3 कमरों में दाखिल होने से इनकार। सबसे पहले तीसरे फ्लोर पर कार्डिक वार्ड दिखाया गया, कमरा पसंद ना आने पर वापस पहले फ्लोर पर मुंतकिल किया। कमरा नंबर 5 से कार्डिक सर्जरी वार्ड और फिर गायनी यूनिट 2 लाया गया। इंतजामिया की कमरा तलाश करने में दौड़े, नवाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में मौजूद। बार बार कमरे की मुंतकली से हस्पताल आए मरीज भी परेशान हो गए। नवाज शरीफ को आरामदेह और हवादार कमरे में रखेंगे, वार्ड में रखा जाता तो मरीजों को मुश्किलात होती। मियां साहब के लिए भी वही सहूलतें हैं जो दूसरे मरीजों के लिए हैं। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर एंजियोग्राफी करने का फैसला करेंगे। प्रिंसिपल जिना अस्पताल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की मीडिया से गुफ्तगु। तिब्बी मुआयने के लिए प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। बोर्ड में प्रोफेसर जुबैर अकरम, प्रोफेसर शफीक चीमा, प्रोफेसर अब्बास रजा, प्रोफेसर शौकत और प्रोफेसर अशरफ जिया शामिल। नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी की जरूरत है, जाती मुआलज की गुफ्तगु। कैदी नंबर 4470 को सख्त सिक्योरिटी हिसार में जिना अस्पताल पहुंचाया गया। सिक्योरिटी की 6 गाड़ियों के काफिले ने जेल से अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचने पर इस्तकबालिये पर खड़े रहे, 6 मिनट के इंतजार के बाद लिफ्ट के जरिए तीसरे फ्लोर पर पहुंचे। नवाज शरीफ के कमरे को सब जेल करार देने का फैसला। नवाज शरीफ के कमरे में लगाने के लिए LED MS के कमरे से उतार ली गई। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। लीगी रहनुमाओं ने सुपरिटेंडेंट कैंप जेल एजाज असगर ने रूबकार पर दस्तखत करा लिए। शहबाज शरीफ की आज लाहौर आमद, नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पेरिस जाएं, फर्स्ट क्लास टिकट देंगे, जायदाद की निशानदही करें, हम भी बारगेन कर लेंगे। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब को पेशकश कर दी। सानहे साहिवाल में बड़ी पेशरफ्त, गोलियां CTD अहलकारों ने चलाई, सबूत मिल गए। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर की डिस्क तब्दील किए जाने का भी इंकशाफ, फॉरेंसिक माहिरीन ने डिस्क तब्दील करने वाले का नाम बता दिया। असली डिस्क आती तो मालूम हो जाता गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया। जो SMG राइफलें भेजी गईं वो भी तब्दील थीं। फॉरेंसिक एजेंसी ने हतमी रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को भेज दी। आला अफसरान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की तजवीज। ऑफशोर कंपनी के सलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी, नैब के हवाले। अलीम खान की एहतसाब अदालत में दूसरी पेशी, मुलजिम ने 9 रोज के रिमांड में कोई तआवुन नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर, इस्तीफा दिया, वजीर नहीं रहे, फिर कह रहे हैं कि तआवुन नहीं किया। नैब अदालत के रिमार्क्स, जायदाद की खरीदो फरोख्त में 1.5 अरब का फर्क आ रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर के दलायल, 2018 तक पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, 11 साल ये क्या करते रहे, क्या पहले इन्होंने भंग पी रखी थी। अब्दुल अलीम खान। नैब को वालिद से बैरून मुल्क से 60 करोड़ और 90 करोड़ अलग अलग मौसूल हुए। अलीम खान वालिद से मिलने वाली रकम के जराए बताने में नाकाम रहे, नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट। दुबई और बरतानिया में जायदादों की खरीदारी के जराए और रकम मुंतकिल करने का तरीका नहीं बताया, रिपोर्ट में इंकशाफ। अलीम खान की पेशी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रश, धक्कम पेल, पुलिस के साथ झड़प, हाथापाई। एहतसाब अदालत के जज को भी पैदल आना पड़ा, सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स तलब करना पड़ी। कारकुनान ने अलीम खान की गाड़ी को घेरे रखा, अलीम खान के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। नैब ने जो बातें पहले दिन की, 9 रोज बाद भी वही बातें कर रहे हैं, PTI रहनुमा शुएब सिद्दीकी की गुफ्तगु।
सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने का मामला, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में तालिब इल्म पर तशद्दुद, इल्जाम जमीयत पर लग गया। जमीयत के कारकुनों ने मुबैना तौर पर तालिब इल्म उस्मान को मारा पीटा, डंडों से सर फाड़ दिया। तालिब इल्म की थाना मुस्लिम टाउन में दरखास्त, जमीयत ने इल्जाम की तरदीद कर दी। पांच खुली कचहरियों में शिकायत के हल की रिपोर्ट जारी, 340 दरखास्तों में से 128 पर अमल दरामद हो गया, 156 पर अमल दरामद जारी। डीसी लाहौर सालेह सईद की दरखास्तों से मुतल्लिका इदारों को फौरी हल की हिदायत। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ब्राइड डेवलपमेंट के अराकीन का इजलास, चीफ सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी पर सेनेटर उस्मान काकड़ बरहम, पंजाब हुकूमत ने हमें कोई अहमियत नहीं दी। उस्मान काकड़ चेयरमैन पीएनडी की ब्रीफिंग से गैर मुतमईन होकर इजलास से चले गए। अपार्टमेंट का मालिक अब प्लॉट में भी हिस्सादार होगा, मुल्की तारीख में पहली बार फ्लैट मालिकान को प्लॉट में मालिकाना हुकूक मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने पंजाब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया, कसीरुल मंजिला इमारत के मालिक की जानिब से कंपनी के नाम पर प्लाजा बनाया जाएगा। साफ पानी को महफूज करने का केस, पंजाब हुकूमत को फिर शिकस्त, वाटर कमीशन तश्कील ना देने की इस्तदा मुस्तरद, वाटर एक्ट बन चुका है, कमीशन की जरूरत नहीं, वकील पंजाब हुकूमत। हुकूमत कमीशन बनाने में रोड़ें क्यों अटका रही है, 2025 तक पानी का खतरनाक हद तक बहरान पैदा हो जाएगा, जस्टिस शाहिद करीम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार शमीम खान का लाहौर हाई कोर्ट बार की लाइब्रेरी का दौरा, चीफ जस्टिस ने फीता काटा, जजेज और वकला भी हमरा। रीसाइकल प्लांट ना लगाने वाले सर्विस स्टेशन के खिलाफ घेरा तंग, एलडीए ने सर्विस स्टेशन सील कर दिया। जौहर टाउन में बगैर नक्शा तामीर सर्विस स्टेशन मिसमार, प्लॉट नंबर 773 पर कायम तामीरात भी गिरा दी गईं। एफबीआर की टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, निस्बत रोड पर कैंट्रॉनिक्स कंपनी से 70 लाख रुपए की रिकवरी कर ली, कैंट्रॉनिक्स के दफ्तर से लैपटॉप और दीगर रिकॉर्ड कब्जे में लिया था। पीएसएल का जुनून, ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त जारी, चंद घंटों में 500 और 1000 वाली टिकटें फरोख्त, ऑनलाइन वेबसाइट पर सिर्फ 2 और 3 हजार की टिकटें दस्तयाब, टिकटें 25 फरवरी से शहरों में कायम सेंटर से दस्तयाब होंगी। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। और गालिब का कलाम आज भी उर्दू अदब पर गालिब, उनके अंदाजे बयां की छाप उर्दू अदब पर हमेशा महसूस की जाती रहेगी। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की 150वीं बरसी, आम जिंदगी में दूसरों से अलग थलग तो शायरी में भी उनका रास्ता जुदा था।